हमारी पौराणिक प्रथाओं के हिसाब से माना ये जाता है, जिस वक्त पे वेद व्यास जी को महाभारत लिखवानी थी तो उस वक्त पे उन्होंने सभी देवी देवता के पास वो गए थे, मगर कोई भी देवी देवता सक्षम नहीं थे। तो ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को बताया कि ये काम सिर्फ एक ही देव है जो कर सकते हैं और वो है गणेश जी। तो उनका मानना ये था कि वो गणेश जी के पास जाए, मगर गणेश जी की भी एक शर्त थी और उनकी शर्त कुछ इस तरह की थी कि आपको कंटिन्यू बोलना है और मैं कंटिन्यू लिखूंगा। वेद व्यास जी ने एक्सेप्ट की, लेकिन वेद व्यास जी ने भी उनको एक और सामने शर्त रखी कि मैं जो भी कहूंगा वो आपको एग्जैक्ट समझ के आपको लिखना होगा, आप कुछ भी राइट डाउन नहीं करेंगे। और दोनों के बीच एक्सेप्ट हुई चीजें, उसके बाद आगे वो जैसे लिखने बैठे वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू लिखते गए। और एक दो दिन बाद जैसे उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा, तब वेद व्यास जी ने उनके पूरे शरीर के ऊपर मिट्टी लगाई ताकि उनका तापमान थोड़ा एडजस्ट हो सके। और धीरे 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 इसी तरह दिन बीतते गए और 10 दिनों के बाद जैसे ही महाभारत खत्म हुई तो उन्होंने उनको एक पवित्र जल में बैठा कर उनको ठंडा किया, जिसे हम गणेश विसर्जन के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्टोरी है हमारे पौराणिक कथाओं के हिसाब से। तो चलो अभी आगे हम भी निकलते हैं। गुजराती हो और गरबा ना हो तो कहाँ त्यौहार का असली रंग दिखेगा। तो चलिए थोड़ा गरबा भी कर ही लेते हैं। देख लिया आप लोगों ने, अब फिर से हम लोग नाच गाने की और थोड़े पटाखों की मौज करते हैं। चलो हमारी ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, अभी मिलते हम कुछ दिनों बाद सीधा विसर्जन में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। सी यू सून।